परमात्मा हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार, निराकार साकार तू जग के पालनहार है, बेअंत महिमा तेरी दाता परम्पार, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सभी ने आज जो समागम की थीम और लोगो, इसका जहाँ आनंद लिया कि किस प्रकार ये जो तीन शब्द थे कि हमारे जीवन में ये भक्ति और विश्वास जब हो तो आनंद तो अपने आप ही मिलता है, तो कैसे ये भक्ति की यात्रा भी अगर शुरू करनी है, जैसे अवतार वाणी में भी है कि हमने किस तरह अपने आप को इस प्रभु परमात्मा से मिलना है, और ये जो ज्ञान है उसके लिए लिखा है कि ये ज्ञान हमें मुक्ति मार्ग पाता है, और हमने ये एक सर्टिनिटी नहीं लेनी कि ज्ञान है तो मुक्ति भी है, वो बस रास्ते की बात है कि ये जो रब्दा ज्ञान इसने मुक्ति के रास्ते पे तो डाल दिया, पर इस रास्ते पे चलना ही होता है तो भक्तिमय जीवन ये होता है, और इसमें अगर हम नहीं चलें तो एक जो रास्ता है वो तो बता दिया गया, पर उस पे चलने ना चलने का ये जो जीवन काल हमारा है इसमें हमारे ऊपर ही वो बात आती है कि ये हमने कैसे चुना रास्ता कि नहीं, या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके भी उस रास्ते पे टिके कि नहीं, और अगर टिके हैं तो जरूर ये भक्ति जीवन में आएगी, और जैसे ये भक्ति करते चले जाते हैं ये विश्वास और हमारा मजबूत होता चला जाता है, तो कैसे ये हमने अपने आप को पूरी तरह विश्वास जब कर लिया इस निराकार पे, फिर बहुत ही क्लैरिटी, बहुत ही कामनेस मन में आ जाती है, और फिर वही स्थिति इवॉल्व होके जो आनंद की बात आती है, फिर वो जो सुख दुख से ऊपर वाली स्थिति ये आनंद, तो जब ये आ जाता है तो वाकई ही ये जो जीवन की हमारी यात्रा है ये एक बहुत ही डिवाइन जर्नी बन जाती है, और कैसे हर एक ने जहाँ वो पोटेंशियल है कि हम अगर खुद ही निराकार के ही अंश हैं तो फिर वो जीवन में भी ये सुख का भी ना असर चढ़े ना दुख का चढ़े, तो कैसे अपने आप को ये ब्लिस की स्टेट में ये आनंदमय जीवन जीना है, तो सबसे पहले जहाँ निराकार
उसके ऊपर अपना हम भक्तिमय जीवन करते हुए विश्वास को टिकाएं, क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा तो वो भक्ति भी पूरी नहीं होगी और वो आनंद भी हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि सिर्फ कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ये लग रहा होता है कि कोई चीज अगर सुन ली पर उस पे हमें विश्वास नहीं आ रहा। और कितनी ही बार ऐसे भी कहीं नौजवान दासी से जब मिलते हैं और बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तो लिया पर शायद ठीक से समझ नहीं आया, क्योंकि निराकार पे विश्वास नहीं हो पा रहा, अभी भी जीवन में हम तंगदिली रख रहे हैं, या कोई स्कूल कॉलेज लेवल पे ये एडजस्टमेंट इश्यूज के बारे में बात करते हैं जब घर परिवार के एंगल पे वहां पे, तो कैसे एक हर किसी ने जब हर एक को एक दूसरे में परमात्मा देखना है और अगर वो नहीं दिख रहा तो वाकई ही ये ज्ञान समझ नहीं आया, ये मन में नहीं टिका, तो कैसे ये तो ये दांत है जो जितनी बार भी लें उतने बार में ही ज्यादा और क्लैरिटी भी मिलती है। तो कैसे अगर किसी के भी मन में ऐसी कोई बात कि बचपन में तो ब्रह्म ज्ञान लिया या कभी नौजवानी की अवस्था में और वो ठीक से समझ नहीं आया, तो ये ब्रह्म ज्ञान फिर से लिया जाए ताकि अच्छे से ये निराकार क्या है इसकी समझ, और इसकी समझ से अपनी समझ कि हम क्या हैं, सिर्फ शरीर नहीं है, और कैसे अपने इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा दिखाए हुए मार्ग ये भक्ति के, ये विश्वास के, आनंद के, सेवा सिमरन सत्संग के संग से इस निराकार के साथ हम पल पल जो अपना जीवन बिताएं वो उस तरह जैसे एक, अगर हमें अक्सर सबकॉन्शियसली भी बात होती है कि अगर कुछ सड़क पे चलते चलते ही देखते हैं कि कोई व्यक्ति गिर गया और मुंह से अचानक स्वयं ही निकल जाता है तू ही निरंकार, कि वो कैसे हमारे अंदर इतने निराकार हर समय हो कि एक चीज कुछ हुई है, अच्छी हुई है, गंदी हुई है, तो कैसे मुंह से दोनों समय में ये निराकार का ही एहसास करते हुए तू ही निराकार निकलना। तो हमें हर पल जहां अपनी अवस्था एक ऐसी सहज बनाकर इसके रंग में रंग के एक आनंदमय जीवन बिताते हुए, तो ऐसे जब जीवन चलता है तो वाकई ही फिर वो एक बहुत ही कंप्लीट जीवन होता है। वो चाहे उम्र के लिहाज से जिंदगी तो किसी को कुछ सालों की मिलती है और किसी और को कुछ सालों की, पर वो फैक्टर इतना फिर इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता, क्योंकि जब आए हैं उद्देश्य से कि इस निराकार द्वारा स्वयं की भी पहचान हो गई और फिर वो सारे भ्रम भुले के सब दूर हो जाते हैं जब एक क्लैरिटी मिल जाती है, तो अब उसको ही मन में रखकर चाहे जितनी भी आयु इस परमात्मा ने बख्शी उसको एक सहज रूप में जीते चले जाएं और अपनी भक्ति को और दृढ़ करें। सात संगत जी, धन निरंकार जी। Thank you.
सत्संग जी प्यार से कहना ध्यान अहंकार जी।